हे फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डीके नन्ना ब्लॉग्स में। तो हम लोग आज यहीं रुक गए हैं और नहा वाली है, गला भी बैठ गया, आवाज भी नहीं निकल रहा। मुझे भी नींद आ रहा है, तो खा पी के फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी यहीं खड़ी थी तो यहीं से हम लोगों को जाना था। हम लोग यहीं पे उतर गए, तो नीचे बैठ के खाओ, इन लोगों को वहीं चाहिए बिस्तर। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं अपने न्यू होम पे, यानी दिल्ली गांव से आने के बाद वो हमारा न्यू ही होम हो गया, पुराना होम हो गया। तो चलिए मिलेंगे कुछ देर बाद। तो यहाँ पे ये अरहर की दाल है, सलाद है, आलू भुजिया, रोटी, चावल, अचार, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन और देसी भोजन। यही सब खाना खाने में आनंद आता है, तेल मसाला खा लो पेट खराब हो जाता है। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। हे फैमिली, हम लोगों का खाना पीना हो गया, रेस्ट भी हो गया है, अब हम चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि ट्यूशन जाओगे। हेलो, हाय हाय बाय बाय हो रहा है। चलो जी हमको विदाई में सारी दी है, जाएंगे घर पर सिवाएंगे। जाओ चलो अभी सोएंगे जाके, झाड़ू पोछा कर। विदाई में किट्टो ने बिस्कुट वगैरह दे दिया, क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं, बोले कि खाएंगे बच्चे अपना खा लेंगे। क्या बेटा, दोनों ही का एकदम पर्यटक लग रहा है, जैसे कहीं घूमने जा रहा है। लिलिया देखो पर्यटक लग रहा है, जैसे कहीं टूर पे जा रहा है। रो रही है क्या सुना अच्छी, लोगों का जाने पर बार बार वापस लौट के जा रहे हैं, बाबू के मोह माया में सब फंसे हुए हैं। A few moments later, फैमिली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और ज्यादा गंदगी नहीं है, बस थोड़ा सा आगे बारजा में ही है। सोनाक्षी झाड़ू लगा के साफ कर रही है। हम सब सोचे कि बहुत गंदगी हो गया होगा, लेकिन नहीं है, बस थोड़ा सा धूल मिट्टी है, बाकी सब सही है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलेंगे फिर कुछ देर बाद। तो फैमिली यहाँ देख सकते हैं, वन्ना जी ने लगा दिया है चाय और ये चूरा बना दिया है पापड़ वाला। हाँ, चावल का चिप्स है। पापड़ वाला चावल का है। और इधर ऋषभ सोनाक्षी पढ़ के आ गए, इधर मैं अपना आईपीएल देख रहा हूँ मैच। तो फैमिली घड़ी में बज गए हैं 7:45 और चलते हैं, ले आते हैं सब्जी, क्योंकि सारा आइटम हमारा खत्म हो गया। राशन लेके आया था गेहूं चावल, तो अब बन्ना जी साफ करेंगे तो गेहूं पिसाऊंगा। चलते हैं सब्जी लेके आते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक। अब बन्ना जी का शरीर एकदम बोल गया। अब बन्ना जी देख सकते हैं आप चौड़े में हो गए हैं, यहाँ पे आगे पतली हो गई थी, आगे वहाँ हो गए तो मोटे हो गए गाँव में। दिल्ली आते ही बन्ना जी मोटी हो गई। तो यहाँ खाना वाना जो सब्जी उब्जी है सब रख रहे हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो ऋषभ सोनाक्षी यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं हमारी मम्मी कितनी मेहनत कर रही है काम। अरे मम्मी लोग मेहनत ना करे तो क्या, पड़ोसी आगे मेहनत करे है। कभी कभी समझदारी वाली बात कर देती हो, कभी कभी बेवकूफी वाली बात करती हो। मैं जानबूझ के बोलती हूँ ऐसे कभी कभी, जानबूझ जो बेवकूफी बोलती हूँ, जानबूझ के जो बोलता है ना वो अलग ही पता चलता है। ओहो, कभी कभी ना तेरे पर इतना प्यार आया था ना, इतना प्यार आया था, मगर कहीं ले चली, अरे वहाँ पर एक ही गलती कोई ना रहे, बस
हम और तू अब पहाड़ी इलाका और झरने से पानी मनाली झरने से पानी गिरता रहे कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता रहता जा इतना सीधा पति पाए हो मजा करे सीधा जैसे बेबी वैसे पति ना ये दिखा दो बेबी मुझे थैंक यू बेबी तुम्हें मुझे थैंक यू इनको जलन हो रहा है भाभी देवर का वीडियो देख अरे मुझे जलन नहीं हो रहा हम वो वीडियो कम से 100 बार देखे मुझे अच्छा लग रहा है जलन नहीं हो रहा ठीक है अच्छा लग रहा चलो अच्छा लगा सब 100 बार पूछो नहीं सबको भी दिखा रहे हैं देखो कितना 100 बार नींबू मिर्चा साथ में नहीं रखना चाहिए बेटा कुछ नहीं बड़ी, फिर से बोलो बड़ी मम्मी और पापा की जोड़ी मिलती है ऐसा कुछ नहीं ऐसा ये देख लो वीडियो में जाके अच्छा लगता है इनका जोड़ी जोड़ी अच्छा लगता है देवर और भाभी का जो है ना मम्मी और चाचा का माँ बेटी का रिश्ता कितना बड़ भैया का भाभी तुम्हें देवर भाभी का रिश्ता जो होता है माँ बेटे का होता है हंसी मजाक का होता है गलत समझते हैं गलत समझने वाले गलत समझेंगे जहाँ गलत है वहाँ गलत ही समझेंगे भाई जहाँ सही है वहाँ गलत थोड़ी समझेंगे कहाँ से हमारा देवर भी ऐसा होता क्यों शादी से पहले आपके देवर नहीं बनाते थे आपके साथ वीडियो अब उनके खुद ही इतनी सुंदर बीवी आ गई है उनके साथ अरे सुंदर बीवी आ जाएंगे तो क्या लोग भाभी को भूल जाएंगे ये बताओ उनके पास टाइम नहीं है मेन बात ये है टाइम किसी के पास नहीं जिंदगी में टाइम निकालना पड़ता है हमारे पास टाइम है क्या उन दिन में कुटुर लगा रहे थे टाइम हमारे पास भी नहीं लेकिन हम जो अपनी लाइफ है ना खुल के जीते हैं एंजॉय करते हैं टेंशन नहीं लेते मस्त रहते हैं हम करेंगे इसको देखो ये और ये तीनों साथ में रखो इसको और इसको टोकरी फ्रिज में रखते हैं तो चलिए माँ बेटी मिलके यहाँ काम कर रहे हैं हम चलते हैं थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं फिर मिलते हैं बंदा जी का वीडियो क्या शूट करे पड़ोसी आगे शूट करिए चलो अभी बनाओ की शूट कर देंगे सबका सपना वाला ही ला जैसे अरे लगा था अंडर का बंड अब क्या हर समय मेकअप करके रहोगी क्या वो भी तो कमेंट आओ घर में तो ऐसे ही वो भी कमेंट आओ हम लिपा पोती करके बैठी रहती हो घर में ऐसे ही की तरह रहो तो भी कमेंट आता है सच के रहो तो भी कमेंट आता है नॉर्मल वर्क के रहो तो भी कमेंट आता है हम लोग तो अंडर वियर बनियान पे ही रहते हैं अभी हम देख रहे हो ऐसा कपड़ा पहने देखो पेट मेरा पेट निकल रहा है आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग तो फैमिली सुबह हो गया है और मैंने पूजा पाठ कर लिया है भोले बाबा को टीका लगाया था शायद मैंने तेल लगाया साफ हो गया होगा भोलेनाथ माफ करना और हम लोग गांव गए गांव से अमित किट्टो के घर अमित किट्टो के से अपने के यहाँ आ गए हैं और फिर वही रोज की जिंदगी ड्यूटी जाना अल्लाह जी आप देख सकते हैं पूजा वूजा कर रही हैं अपना श्री शिव नमस्तुभ्य महाराज महादेव कूड़ा दे रही है बिल्कुल घर के सामने गाड़ी आती है सीढ़ी से उतरिए और कूड़ा दे दीजिए तो मेरा चाय नाश्ता हो गया मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ और निकलते हैं ड्यूटी के लिए और हमारे YouTube चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा Instagram को फॉलो कर लीजिएगा मौज को फॉलो कर लीजिएगा और Facebook को भी फॉलो कर लीजिएगा और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक करते हैं बाय बाय